नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं बात करूंगा ओमान में। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था हमारे इलाके का, बताइए हमारे शहर में कितना हो चुका, जो कि सारे ओमान में जितने शहर हैं सभी शहर का मैं लेकर आ गया। सुहार से लेके निजुआ, निजुआ से लेके इबरी, सलाला, हर एक जगह का अपडेट आया, जो कि महामारी चल रही है, कितने केस आपके इलाके में हो चुके। आज की मैं बात करूंगा ओमान में जो आज कितने केस आए, क्योंकि काफी आज भी काफी ज्यादा केस आया, तो सभी शहरों का अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि ओमान हो गया या सऊदी अरबिया या इंडिया की नई नई अपडेट आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे हमारे शहर का बताइए, हमारे शहर का, मगर आज सभी शहरों का मैं लेकर आया हूँ। जो महामारी चल रही वहां पे टोटल कितने केस हो चुके हैं, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, आपके इलाके में कितना केस है, उसी हिसाब से आप अपने आप को सावधान जरूर करें। तो सबसे पहले बात कर ले आपके इलाके की, सबसे पहले तो मस्कत की बात कर ले, मस्कत की बात कर ले। मस्कत में टोटल केस जो कि है आपको बता दें 9735 आदमी यहाँ पे हो चुके हैं, मस्कत की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद अभी इबरी और सुहार सारी जगह की बात करूंगा। मस्कत की जो मस्कत में इतने केस हो गए, वहीं अब बात कर ले मथुरा की। मथुरा में टोटल जो कि आपको तो मालूम होगा मस्कत कैपिटल है ओमान का, तो मथुरा मस्कत में ही है। तो मस्कत की तो बात करें मथुरा की, तो 4198 132 नए केस आए हैं। उसके बाद सेकंड की बात करें तो अलसीप है, अलसीप की बात अगर जो आप अलसीप में रहते हो तो आपके लिए बता दें काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी केस कम नहीं हो रहा, काफी भारी तादाद में यहाँ पे केस हो रहा है, काफी भारी तादाद में। अलसीप की बात करें तो 2745 केस यहाँ पे हो चुके हैं, जो कि काफी ज्यादा केस है। आपको तो मालूम होगा 2700 जो कि काफी भारी तादाद में, मथुरा के बाद इसी का अलसीप का ही नंबर आता है ओमान में। वहीं आपको आज का नया केस जो कि अलसीप की बात करें तो 227 नया केस आया है, 227 नया केस अलसीप की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये मथुरा और अलसीप हो गए। उसके बाद बात कर ले अमरात की, अमरात की बात करें तो अमरात में टोटल 382 केस है। अगर जो आप अमरात में रहते हो, आप अपना वहां पे रहते हो, काम वाम वहीं पे करते हो, तो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। अमरात में 382 नए केस की बात करें तो 27 न्यू केस आए हैं, आज की मैं बात कर रहा हूँ नया केस। वहीं आपको बता दें इसमें जो कि ये काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा था कि हमारे इलाके। अब बात करते हैं बरखा की, बरखा में भी काफी ज्यादा केस आ चुका है। बरखा की बात करें तो बरखा में टोटल केस की बात करें तो 396 केस है, वहां पे 396 केस है, जो कि आपको बता दें यहाँ पे अब तक कितने आदमी इस महामारी को, जैसे बरखा की मैं बात कर रहा हूँ, बरखा में कितने आदमी मारे गए हैं, जो कि आपको बता दें चार आदमी अब तक बरखा में इस महामारी की वजह से मारे जा चुके हैं, जो कि काफी बैड है लगातार, क्योंकि हर एक शहरों में मौत का सिलसिला तो बढ़ता ही जमीन। इसमें रिकवरी की बात कर ले तो टोटल 166 आदमी, मतलब 166 आदमी अब तक यहाँ पे रिकवर किए जा चुके हैं, जो कि काफी गुड है। वहीं रुस्ताक की बात कर ले तो वहां पे 127 केस है, 127 केस है, जो कि आपको बता दें इसमें काफी मतलब 20 केस आज किया, आज अपडेट हुआ। वहीं अब बात कर लेते हैं इबरी की। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था सर हमारे एरिया का बता दें, मैं इबरी में रहता हूं, तो इबरी की बात करें तो इबरी में भी मतलब टोटल केस की बात करें तो 124 इबरी में मैं बात कर रहा हूं। इबरी में 124 केस है, यहां पे मरने वालों की संख्या एक है, एक आदमी अब तक इबरी में इस महामारी की वजह से मारा जा चुका है। यहाँ पर बताते रिकवरी कितनी हुई है इबरी में, रिकवरी की बात करें तो यहाँ पे 51 आदमी अब तक यहाँ पे मतलब इस महामारी में मारा जा चुका है, जो कि काफी बैड है, क्योंकि आपको तो मालूम होगा लगातार जिस तरह ये सब सिलसिला बढ़ रहा था, उसके बाद काफी भारी तादाद में मतलब केस ज्यादा आ रहे थे, एक दो दिन में तो काफी भारी मात्रा में केस आया है। वहीं आप बात करें सलाला की बात करें, बहुत सारे लोगों का, क्योंकि दफर में तो काफी वैसे ही, क्योंकि बारिश वहां पे इतना हुआ सलाला में और दफर, क्योंकि म्यूनसिपालिटियां ने बहुत सारी जगहों पे मस्जिद डूब गई, हर एक चीज काफी वैसे वहां पे प्रॉब्लम चल रहा है। हालांकि ये महामारी तो वहां पे कम पहुंची है, महामारी जो है वहां पे कम पहुंची है। सलाला की बात करें तो दफर की बात करें तो टोटल केस की बात करें तो 33 केस है दफर में। वही सलाला की बात कर ले तो सलाला में अब तक 14 केस है, काफी कम केस आया है,
14 केस एक आदमी अब तक यहाँ पे वो इस महामारी की वजह से मारे गए हैं। वहीं आपको अगर टोटल दफर दफर की रिकवरी की बात करें तो 18 आदमी अब तक यहाँ पे रिकवरी कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं यार बरहमी की बात करें तो वहाँ पे 150 केस है, 150 केस है जो कि काफी कम है 150 केस, क्योंकि सबसे ज्यादा केस तो मस्कत में आया है। सबसे ज्यादा केस जो है ओमान की राजधानी मस्कत में है, इसीलिए मस्कत को पहले ही ऐलान किया गया था कि मस्कत का जो बॉर्डर है वहां पे चेक पोस्ट लगा दिए गए थे। बरहमी की बात कर ले तो बरहमी में 150 केस है। वहीं डुकुम की बात कर ले तो डुकुम में 95 केस है जो कि काफी कम है। अब बात कर लेते हैं निजुआ की, निजुआ में भी बहुत सारा केस आया क्योंकि निजुआ तो आपको मालूम होगा अगर जो आप निजुआ में रहते हो तो काफी इम्पोर्टेंट है। निजुआ की बात करें तो निजुआ में टोटल 108 केस अब तक यहाँ पे आया है, 108 केस निजुआ की आया जो कि अब की यहाँ पे बात करें तो रिकवरी काफी बेहतरीन हुआ है, मतलब काफी बेहतरीन रिकवरी हुआ है जो कि काफी जबरदस्त है। डेट के मामले में भी काफी पीछे है निजुआ, निजुआ में अब तक मतलब एक भी आदमी अब तक यहाँ पे इस महामारी जो चल रही है इसकी वजह से एक्सपायर नहीं हुए जो कि काफी राहत की खबर है। वहीं आपको बता दें टोटल ओमान में जो बात करें आज की केस की बात करें ओमान में जो आया आज केस तो वो तो एक बार फिर काफी ज्यादा आया है। टोटल केस ओमान में जो आया उसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे 738 केस आज आया है ओमान में, ये पूरा सब जगह का मिला के 738 केस ओमान में आया आज के दिन में। मैं बताऊंगा जो कि अब कितने खारजी हैं कितने ओमानी हैं, क्योंकि खारजी लोग भी काफी भारी तादाद में यहाँ इस महामारी का शिकार हो रहे हैं, काफी भारी संख्याओं में खारजी लोग इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। तो मैं बात करूं अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो कि रजिस्टर 738 केस नया केस हो गया उसमें आपको बता दूं उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ जो कि कन्फर्म केस 324 आदमी जो है वो ओमान के रहने वाले ओमानी हैं, नेशनलिटी लोग हैं जो कि न्यू केस है। वहीं खारजी की बात करें तो खारजी मतलब ओमानी और खारजी तकरीबन आसपास चल रहे हैं, ईद के बाद से तो ओमानी काफी भारी तादाद में आ रहे हैं, काफी भारी संख्याओं में ओमानी के बीच ये महामारी फैल चुका है। उसके बाद खारजी की बात करें तो खारजी भी कम पीछे नहीं है, टोटल केस की बात करें तो 414 खारजी लोग हैं, ये नॉन ओमानी जो बाहर से यहाँ खारजी लोग जिसको बोलते हैं वो भी यहाँ पे अपने जॉब वॉब के सिलसिले में इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान फिलीपीन या अदर नेपाल की बात कर ले उन जगहों से जो आए 414 आदमी ये तो टोटल 738 केस हो जाएगा। वहीं बात करें ओमान में अब तक पूरा केस कितना हो चुका है, आज तक पूरा केस बात करें तो 13,538 केस अब तक ओमान में हो चुके हैं जो कि काफी ज्यादा मतलब लगातार दिन ब दिन ये काफी भारी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ओमान की बात करें तो वहां पे अभी बता दें 13,538 केसों में जो अभी तक यहाँ पे ठीक कितने आदमी हुए हैं, जो इस महामारी की वजह से परेशान है वो बीमार मरीज थे वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, टोटल जो कि 2845 आदमी अब तक यहाँ पे ठीक हो चुके हैं जो कि पूरी तरह से और स्वस्थ हो चुके हैं जो कि काफी राहत की खबर है। तकरीबन 3,000 के करीब यहाँ पे जो कि 13,000 के करीब केस है, उसके बाद तकरीबन मान के चलिए 3,500 के करीब यहाँ पे रिकवरी भी हो चुकी है जो कि काफी राहत देने वाली एक ओमान की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अनाउंसमेंट किया। वहीं टोटल आदमी जब तक यहाँ पे कितने आदमी मारे गए उनकी बात करें तो यहाँ पे 67 आदमी अब तक इस महामारी की वजह से एक्सपायर हो चुके हैं ओमान में, क्योंकि लगातार एक के बाद एक मौत का सिलसिला तो एक दिन 8 होता है, किसी दिन 6-7 हो जाता है, किसी दिन एक ही मौत होता है। मौत के सिलसिले में भी ओमान मतलब अब स्लोली स्लोली प्रोग्रेस आगे जा रहा है, आगे लगातार बढ़ रहा है। टोटल जो कि आपको ईद के बाद की बात कर ले तो लगातार 500 से नीचे केस ही नहीं आया है, क्योंकि ईद की छुट्टियां थे उसमें जो कि ओमान की सुप्रीम कमिटी ने काफी मतलब बड़ा बड़ा कानून लागू किया था, आरोपी भी इसमें शामिल है, मार्क्स वार्क्स हर एक चीज का बड़ा बड़ा अपडेट दिया था, लेकिन उसके बाद भी ओमान में केस अब लगातार ईद के बाद से काफी भारी तादाद में बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आपसे यही कहूंगा कि मास्क बढ़िया लगाएं और गलत सलत जरूर हाथ में लगाएं और काम
करने की जाए अगर जो, तो 100% गलत हमेशा लगा के रखे, क्योंकि मालूम नहीं है मरीज किसको है, किसी को भी ये नहीं मालूम नहीं है कि मेरे को है या आपको या आपके साथीदार को है, किसी को भी ये मालूम नहीं। अगर जो आप जैसे बिल्डिंग में काम करते हैं तो कोई बाहरी जैसे काम करने के लिए आता तो 100% आपको मास्क जरूर लगा लेना चाहिए, क्योंकि अगर जो आप एक ही कंपनी हो एक ही रूम शेयर करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जैसे कोई बाहरी आता है तो मास्क अपने मुंह पे जरूर लगाएं, उससे थोड़ा हो सके तो दूरी बना के रखें, क्योंकि वो आपके ऊपर शक करेगा आप उसके ऊपर शक करोगे, तो इससे बेहतर है मास्क वास्क बढ़िया से लगा के रखो, अपना सेफ्टी करके रखो। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और किसी और कोई शहर का अपडेट अगर जो आप वहाँ पर छूट गया तो मैं आप अगले वीडियो में जरूर कोशिश करूंगा, तो कमेंट जरूर करें, मैं हो सकता है अगले वीडियो में उस शहर का अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो को लाइक कर देगा। नमस्कार।